तब्दीली दफन हो गई है, तब्दीली पंजाब में भी दफन, सिंध में भी दफन, केपीके में भी दफन। आप बताओ मेरे दोस्तों, आप बताओ। नून लीग मुबारक, एडवांस मुबारक, आधे से ज्यादा रिजल्ट आ गया है, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। वजीराबाद में भी नून लीग जीत रही है, डस्का में भी नून लीग जीत रही है, नौशेरा में भी नून लीग जीत रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तीन सीटों पे नून लीग लड़ी, तीनों पे जीत रही है। अब दिल की आवाज लोगों की आ रही है, धांधलियों के बावजूद मैं आपको बताऊं, आज उन्होंने 10 बंदों को गोलियां मारी हैं, 10 बंदों को, एक वीडियो चल रही है आपके, 2 बंदे कत्ल हो गए अभी तक और लोग जख्मी है, और उसके बावजूद भी नून लीग अगर जीतती है, इतनी धांधलियों के बावजूद। वो मुझे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी थोड़ी सी, कि किस तरह उन्होंने वो जनाब स्कूल बंद कर दिए, जहां जहां वो वीरान पड़े थे उनके, ये आप यकीन करें 50% अभी भी धांधली हुई है, हो रही है, अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं आरटीएस सिस्टम इधर भी ना बैठ जाए। दोस्तों पीटीआई का असली चेहरा सामने आ रहा है लोगों के। मैंने सिंध वाली, जब ये सिंध में जो 2 सीटें पीटीआई हारी, फिर बलूचिस्तान में हारी, तब मैंने कहा था कि ये पीटीआई का असली चेहरा है जो 2018 में था। तीनों की जमानतें जब्त हुई थी, तीनों की, ये पीटीआई का चेहरा था। इसको बना के आज दुख हो रहा है, यकीन करो कि किस तरह एक नाअहल और नलायक खिलाड़ी को हमारे पाकिस्तान की तबाही के लिए उसके ऊपर बिठा दिया गया था, और बिठाने वालों का भी कोई जो है ना वो एहतसाब होना चाहिए। बिठाने वालों का भी, किसने बिठाया था, किसने धांधलियां करवाई थी, बताएं जरा। आप देख लिए रिजल्ट, मैं कहता हूं अभी भी इसमें 50% धांधली हुई है। जो हमें दोपहर को रिपोर्टें मिल रही थी कि जनाब पीटीआई के तो पोलिंग बूथ वीरान पड़े हैं, सारा रश ही उधर नून लीग का है। अब इतनी भारी अक्सरियत को भी इन्होंने कम किया, इधर भी जमानतें इनकी जब्त हैं, इनकी जमानतें जब्त हैं इधर भी, तो इधर जनाब ये जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो डस्का की है नौशीन साहबा, वो तकरीबन इस वक्त जो 36 हलकों से रिजल्ट आए हैं, 6000 की लीड से जीत रही है। इसी तरह जो वजीराबाद की तलत साहबा है, वो भी जो है वो 5000 से ज्यादा उनकी लीड बनी हुई है। और उधर तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त ने फोन किया है नौशेरा से, उन्होंने कहा वो तो 100% वोट जो है ना वो ज्यादा ले रहा है, 100% वोट ज्यादा ले रहा है। तो जनाब ये मैंने कहा, मुझे बड़े फोन आ रहे हैं सऊदी अरब से, मस्कत से, कि कानूनी टीवी किथे भाई। मैंने कहा आपको फौरी तौर पे मैं पहले मुंह मीठा कराऊं, यार मिठाई किथे भाई, किथे मिठाई, मैं ये मिठाई आ गई है जी, ये हलवा, हलवे वाली मिठाई है ये जनाब, मंजी ठुक गई है, तब्दीली गई, तब्दीली दफन हो गई है, ना कभी थी न कभी आई थी न कभी है। यार मैं आम सा स्टूडेंट हूं, सियासत का आम सा स्टूडेंट हूं, छोटी सी पार्टी का। आप यकीन करें इमरान खान के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। ये आप एक बाइट लें जी डस्का की, ये नौशीन की, ये खा मैं रहा हूं, मजा आपको आ रहा है, हलवा हलवा अच्छा जी, वो लिखा हुआ है जनाब पीटीआई के लिए, से मैं आपको तफसील मजीद बताता हूँ। अच्छा जी, ये दूसरी है वजीराबाद की जी, ये और तीसरी है ये इंशाल्लाह नौशेरा की। ये मैं खाया हूँ, ये आपकी तरफ से, ये हलवा हलवा तो माशाल्लाह जी ये जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी नजर उनके ऊपर रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी। तो हर इलेक्शंस में आर्मी के जवान डिप्यूट होने चाहिए पोलिंग स्टेशंस पर, ये आप, मैं आपको बता रहा हूँ। नून लीग के पीटीआई के नियम 8000,
और ये जनाब बहुत जबरदस्त खबरें हैं आपके लिए, बहुत जबरदस्त खबरें हैं। मैं आपको मजीद लेटेस्ट जो है ना बिल्कुल बताऊं डस्का के 21 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। और ये देखिए टीवी वाले भी सही नहीं बता रहे हैं। आगे देखते हैं जी आगे। ये क्या है जी, ये गुजरांवाला पीपी 51 के 35 पोलिंग स्टेशन के नतायज। नून लीग की तलत शौकत 12,670 वोट लेकर आगे, ठीक है। और पीटीआई के चौधरी यूसुफ 11,503 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ये है आपका मैंने बताया वजीराबाद का। आप 63 पीके 63 नौशहरा का सुन ले, नौशहरा का आपको सुना देते हैं ताजा तरीन। ये पीके 63 नौशहरा से 102 में से 60 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, 102 में से 60 पोलिंग स्टेशन। नून लीग के इख्तियार वली 11,799 वोट लेकर पहले नंबर पर 11,700। और जो उसमें बोले इसका क्या नाम है तहरीक इंसाफ के जनाब नून लीग के 12,527, पीटीआई के 9,000। इधर भी 3-4,000 के इधर फर्क है, 4,000 के इधर फर्क है। तो इधर भी नौशहरा में भी जीत रहे हैं, उधर भी जीत रहे हैं। ये एनए 45 क्रम का जो है वो रिजल्ट भी बता रहे हैं, एनए 45 क्रम के 134 में से 27 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया है। और इधर भी जो है ना वो इधर तो खैर नून लीग वाले लाड़े नहीं थे रहे ना। तो ये जनाब रिजल्ट था, ताज़ा तरीन खबरें थी, मैंने आपको बता दी हैं। आधे पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया है और आधे पोलिंग स्टेशन में नून लीग बल्ले बल्ले एक बारी फेर शेर। जरा नारा तो लगाओ न्याजी दा, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। इससे वास्ते तो न्याजी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाता, बल्दियाती इलेक्शन करवाए उसको लग पता जाए। को ये भी नहीं करवा रहा था, ये तो उन्होंने पीडीएम की तहरीक को दबाने के लिए आगे पीछे करने के लिए उसने अचानक ये कर दिया। ये सीटें साल साल पहले की खाली पड़ी थी, कानून ये है कि 90 दिन में सीट पूर करो, लेकिन ये नहीं कर रहा था। सारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है इधर, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हमें खतरा है नून लीग वाले ऊपर पूरे पैरा दो, ये घर ना आ जाओ कि जी हमें बड़ी लीड मिल गई है 6,000 की 7,000 की। ना ना ना, ये इन्होंने आरटीएस सिस्टम बिठाया था। साद रफीक रात को 20,000 वोटों से जीत रहा था और सुबह हार गया, याद है ना आपको। तो इस तरह धांधलियां इन्होंने की हुई है, तो ये इनका कोई इतबार नहीं है, कोई इतबार नहीं। बेईमान हुकूमत है यार, बेईमान हुकूमत है, तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक ना इंसाफ है। तो आज भी इनको पता चल गया, देखें केपीके में भी हार गए, सिंध में भी हार गए, बलूचिस्तान में भी हार गए और पंजाब में भी हार गए थे। हुन दसो इंशाल्लाह ताला ये जो सीट है ना यूसुफ रजा गिलानी की, ये अपना सेनेट वाली, इसमें भी हारेगी, पीटीआई हारेगी। यार वो हारी हुई है, इसका चेहरा सामने आया है। मैं कल का ये कह रहा हूं अपने प्रोग्रामों में, इसका असली चेहरा ये इस जिमनी इलेक्शन में सामने आ गया है। ये तो जिमनी इलेक्शन करा ही नहीं था रहा, ठीक है। अब इनके टीवी वालों के सांप सूंघ गए टीवी वालों को, इन्होंने आज कत्ल भी किए हैं पीटीआई वालों ने वहां पे। उनकी भी हम असली रिपोर्ट आएगी, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएंगे कि कौन किसके वो, लेकिन चूंकि मीडिया इनके साथ है इन्होंने सारा वो ड्रामा किया हुआ है, ठीक है। और ये पहले ये ड्रामा किया इन्होंने मीडिया वालों ने, पहले जो इब्तदाई रिजल्ट थे ना 2-2, 3-3 हजार तक, वो उन्होंने नून पीटीआई को आगे किया है। अब ये तो हमें प्राइवेट फोनों के जरिए पता लग रहा है कि जनाब डस्का में भी नून लीग आगे है और वजीराबाद में भी नून लीग आगे है, नौशहरा में भी नून लीग आगे है। तो मरियम नवाज की माशाल्लाह जो है ना वो जबरदस्त जो है वो कंपेन रही है। हम उनको एडवांस मुबारकबाद देते हैं, नून लीग को भी देते हैं, नून लीग के चाहने वालों को भी देते हैं। तो कानूनी टीवी जिंदाबाद।